हेलो एवरीवन, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 जून 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक आप सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 जून 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्रैक सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी डाउट्स को दूर कर देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। अब अगर हम बात करें सीएसआईआर यूजीसी नेट की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो होता है ऐसे स्टूडेंट को जो कि एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हम लेते हैं एमएससी जिनकी पास आउट हो चुकी है। सपोज कीजिए आपकी एमएससी केमिस्ट्री पास आउट है, तो वहां पर आप जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपके एमएससी में 55% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। 55% मार्क्स जो है वो आपके विदाउट राउंडिंग ऑफ होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि 54.8 भी होगा तो वो नहीं चलेगा, आपको 55 या 55 से ज्यादा परसेंटेज होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट जो एमएससी फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए जो कंडीशन है वो भी यही है कि आपको जो क्वालिफाइंग डिग्री है आपकी एमएससी केमिस्ट्री है, अगर केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लें तो उसमें आपको 55% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप जेआरएफ या एलएस के लिए एलिजिबल होंगे। और ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया नहीं है फाइनल ईयर का, तो उन्हें किस में अप्लाई करना है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो यहां पर दो डाउट तो दूर हो गए, एमएससी जिनकी फाइनल ईयर चल रही है वो एलिजिबल है लेकिन उनको 55% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए, और अगर आपकी एमएससी पास आउट है तो भी आपको जो ये रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं ऐसे सभी स्टूडेंट की जो कि अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है। तो क्या ऐसे सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए? तो आंसर है यस। ऐसे सभी स्टूडेंट जो एमएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी और लेक्चररशिप के लिए भी। लेकिन यहां पर भी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि कंप्लीट द क्वालिफाइंग डिग्री विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट। तो ऐसे जो स्टूडेंट है जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है, तो उन्हें क्या है, जो ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 जून 2023 का जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर उन्हें एमएससी पास आउट हो जानी है, वो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज मार्क्स के साथ। तो ये एक कंडीशन है जो कि ध्यान में रखनी है ऐसे सभी स्टूडेंट को जो कि एमएससी फर्स्ट ईयर में है और अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने कि बीएससी कंप्लीट कर लिया है, तो क्या वो सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि बीएससी कंप्लीट किया है वो सभी कैंडिडेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशनड है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि बीएससी जिनका कंप्लीट हो चुका है वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो यही रहेगी कि आपको 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट, इस 2 ईयर्स के अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। और इस वीडियो को देखने के बाद हमने सारी जो कैटेगरी है वो डिस्कस कर ली, इसके अलावा तो और कोई कैटेगरी होती नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने यहां तक देख लिया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।